हेलो दोस्तों, बारिश आ चुकी है। दोस्तों अगर आपने बारिश में इस सब्ज़ी को दोस्तों ट्राई नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी है। और एक बार इस बरसात में तो ज़रूर ही बनाकर खाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। और आप एक बार बनाएंगे तो यकीन मानिए बार बार इस सब्ज़ी को बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन आलू और अदौरी की सब्ज़ी, बिल्कुल बिहारी स्टाइल में और देसी स्टाइल में। तो यहाँ मैंने लिया है अदौरी, आलू और बैंगन। आलू बैंगन को मैंने अच्छे से छील कर काट कर धोकर रख लिया है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सरसों का तेल मैंने गर्म किया है, उसके बाद उसमें हम गर्मा गर्म तेल में डालकर अदौरी को फ्राई कर लेंगे इस तरीके से, जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए दोस्तों। और ये अदौरी मेरे घर पे बनी हुई है, तो जब भी अप्रैल मई का महीना आता है, जब बहुत अच्छी लू चलती है और धूप भी रहती है बिल्कुल तेज़ वाली, तब ये सब बनाकर हम रख लिया करते हैं और सालों साल तक आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने अदौरी को फ्राई कर लिया, उसके बाद इसी तेल में आपको डाल देना है बैंगन और हल्का सा इसमें नमक डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, मीठा नमक ही डालेंगे। और उसके बाद मिक्स कर ढक कर इसे हमें अच्छे से दोस्तों यहाँ पर कुक कर लेना है। और देखिए इस तरीके से आपको ढक कर बीच बीच में चलाते हुए इसे कुक करना है। और देख सकते हैं कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है। तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल ब्राउन होने तक आप इसे फ्राई कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से और आराम से टाइम देकर। तो छोटी छोटी ये टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। तो बहुत ही अच्छे से इसे हमें तेल में फ्राई कर लेना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा मेहनत और डेडिकेशन के साथ रेसिपीज़ बनाकर तैयार करते हैं। तो अगर आपको पसंद आए या कुछ भी कमी लगे तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया कीजिए, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल भी दबा लीजिए, ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। तो देखिए हमने बैंगन को भी फ्राई कर अलग निकाल लिया है, उसी तेल में मैंने ऐड किया है सरसों, राई, लहसुन बारीक काट कर, हरी मिर्च वो भी बारीक काट लिया है, हल्का सा हींग डाला है। तो इस सब्ज़ी में ना दोस्तों आपको कुछ भी मसाला तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से मसालों से ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है और इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा बस आप, तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो देखिए इसमें हमने सभी फ़ौरन को डालकर, आलू डालकर इसे ढक कर इस तरीके से हमें पकाना है, जब तक कि अच्छे से इसमें गोल्डन कलर ना आ जाए और हल्का सा हमारा आलू जो है सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद कुछ बेसिक मसाले मैं डाल रही हूँ, हल्का सा हल्दी, लाल मिर्च, हल्का सा धनिया और यहाँ पर हल्का सा कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाला है। मसालों की क्वांटिटी आप देख सकते हैं मैंने बहुत कम डाला है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फिर मैं डाल रही हूँ हल्का सा बिरयानी मसाला, या इसकी जगह पर आप गर्म मसाला भी डाल सकते हैं। तो देखिए एक चौथाई चम्मच के करीब ही यहाँ मैंने बिरयानी मसाला डाला है, या गरम मसाला डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और देख सकते हैं अभी से सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा लग रहा है ना। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हम ऐड कर देंगे चार पाँच छः, हल्की सी क्वांटिटी में ही आप काली मिर्च को हल्का सा कूट कर इसमें फ्रेश ऐड करें, बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद दो से तीन मीडियम साइज़ के मैंने पके हुए देसी टमाटर लिए हैं, उन्हें रफली काट कर इस तरीके से ऐड कर दें, अच्छे से मिक्स कर दें। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, जिसके बिना हर सब्ज़ी फीकी लगती है, चाहे जितनी भी अच्छी हम बना लें। तो इसके बाद स्वाद के अनुसार यहाँ नमक डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक कर एक से दो मिनट के लिए मसालों को कुक कर लेंगे। तो देखिए ढक्कन मैंने हटा दिया है और देखिए कलर बहुत ही अच्छा वापस से लग रहा है। तो देखिए इसी तरीके से आपको मसालों को पका लेना है और टमाटर को भी हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। तो देखिए मैं मसालों को बहुत ही अच्छे से टाइम देकर भूनती हूँ, जिससे कि कोई भी सब्ज़ी बहुत ही अच्छा आपका बनकर तैयार होगा। उसके बाद मसाले भुन चुके थे, यहाँ पर मैंने छोटी कटोरी से एक कटोरी गर्मा गर्म इसमें पानी ऐड किया है, अभी इसमें पानी और जाएगा तो मैं आगे आपको बताऊँगी। तो अभी मैंने सिर्फ एक कटोरी ही पानी ऐड किया है मिक्स करके, और ढक कर एक उबाल आने के लिए हम इसे रख देंगे। और देखिए ढक्कन हटा दिया है, उबाल इसमें आने लगा है दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार इस तरीके से चला देंगे और चलाने के बाद दोस्तों वापस से इसमें हम
दो से तीन कटोरी के करीब वापस से गर्म पानी ऐड करेंगे। पानी इसमें ज़्यादा आपको लगेगा इसकी ग्रेवी में। अदौरी काफ़ी ज़्यादा पानी सोखती है दोस्तों, तो पानी इस सब्ज़ी में आपको अच्छी क्वांटिटी में डालनी होगी। तो देखिए पानी डालने के बाद मैंने ढक दिया था और ये देखिए उसके बाद कितने अच्छे से रोगन सेपरेट हो गया है। और उसके बाद हम एक उबाल आने के बाद ग्रेवी में ऐड कर देंगे अपना बैगन, इसे भी एक मिनट के लिए पका लेंगे। और अदौरी को मैंने लास्ट में ऐड किया था दोस्तों, क्योंकि मेरी अदौरी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा खस्ता है, तो बहुत ही जल्दी टूट जाती है, लेकिन बहुत ही अच्छी बनी है। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। वैसे तो अब बरसात आ गई है, अब बना नहीं सकते हैं, अगले साल ही बनाना होगा आपको। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान होती है, घर पर आप आसानी से बना सकते हैं और सालों साल तक एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने फ्राई किया हुआ अदौरी भी ऐड कर दिया है, तो इसे अच्छे से ग्रेवी में हमें डिप कर देना है और 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेना है, ताकि अदौरी में अच्छे से ग्रेवी घुस जाए और अदौरी एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है और देखिए अदौरी अच्छे से पक चुकी है और बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। इसे हमें पानी में भी डिप करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, एक बार बस ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यही मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर ले अगर आप हमारी रेसिपीज़ को यूँ ही देखना चाहते हैं तो।